हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर में बड़ा हादसा, नींव खोदने के दौरान पड़ोस की दुकान ढही, 11 लोग दबे, 3 की हुई मौत। उदयपुर के सवीना इलाके में स्थित कृषि मंडी में नई दुकान की नींव खोदने के दौरान उससे सटी दूसरी दुकान के ढह जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 11 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें 2 ग्राहक एक अकाउंटेंट की मौत हो गई। 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घायलों की कुशल क्षेम पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे। सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार हादसा बुधवार शाम को कृषि मंडी की दुकान नंबर 10 पर हुआ। स्वीकृति तो वहां फर्स्ट फ्लोर बनाने की ली गई थी, लेकिन इसकी आड़ में अवैध रूप से बगल में एक नई दुकान की नींव खोद दी गई। इससे विनयकांत की पहले वाली दुकान की छत तेज धमाके के साथ गिर गई। हादसे के दौरान दुकान में मालिक विनयकांत, दुकान का अकाउंटेंट, ग्राहक और मजदूर समेत 11 लोग मौजूद थे। छत के अचानक धराशायी होने से ये सभी लोग उसके मलबे में दब गए। हादसा होते ही कृषि मंडी क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। सूचना पर SDRF की टीम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। SDRF की टीम ने मलबे से रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में 8 घायलों को तत्काल MB अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मौत के शिकार हुए लोगों में से नीलेश मेनारिया और भावेश तंबोली ग्राहक थे, जबकि जयपाल सिंह दुकान का अकाउंटेंट था। दुकान के मालिक विनयकांत और कमलेश जैन भी हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे के कारण मंडी में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलने के बाद वो शाम को उदयपुर पहुंचे। CM हेलीपैड से सीधे घायलों से मिलने MB अस्पताल गए। उन्होंने घायलों की कुशल क्षेम पूछी और मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और पंकज शर्मा भी मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए उदयपुर से खास रिपोर्ट।